हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक कढ़ी, वो भी देसी तरीके से। तो आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, देख सकते हैं फिर आलू फ्राई होने लगा है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। हम इसे पूरे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, आलू हो चुका है फ्राई, थोड़ा और होने देंगे एक मिनट तक। अब हम आलू को निकाल लेंगे। अब मैं इसमें एग डालूंगी। अब मैं एक बार से इसे डालूंगी। एक बार से इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देख सकते हैं फ्राई होने लगा है। इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर। देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आया है, लग रही है ना अच्छी। आप भी ट्राई करें अपने घर पे, और कमेंट करके बताएं कि मेरा रेसिपी कैसा लगा। देख सकते हैं फ्रेंड, एक हो चुका है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला। अब मैं इसमें तेज पत्ता डालूंगी। अब मैं तेज पत्ता को थोड़ा अच्छे से पकने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटी हुई हरी मिर्च। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ ऑनियन। अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी ऑनियन को। देख सकते हैं फ्रेंड, ऑनियन अच्छे से पकने लगा है। अभी हम इसे और पकाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, प्याज अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मैंने मसाला में लिया है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला,
और काली मिर्च पाउडर हमें मसाला को अच्छे से पकने देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दू का किया हुआ टमाटर, टमाटर अच्छे से पकना जाए। देख सकते हैं फ्रेंड कितना लाजवाब लग रहा है ना। आप भी अपने घर पे इसी तरह बना के ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा। देख सकते हैं फ्रेंड मसाला और टमाटर अच्छे से पक चुका है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है ना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ आलू। देख सकते हैं फ्रेंड आलू भी अच्छे से पक रहा है। दो मिनट हम और इसे भुनेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा ये फर्स्ट रेसिपी है फ्रेंड, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है फ्रेंड इसमें। अब मैं इसमें अंडा डालेंगे। मैं इसे मिक्स करूंगी। सच में फ्रेंड इतना लाजवाब बना है ना, अभी खाई नहीं हूँ फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप ही ट्राई करें अपने घर पे, पूरे फैमिली को बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राई करके देखें। एक मिनट तक मैं इसे भूनूंगी। देख सकते हैं साइड साइड से ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चाहे तो आप इसे बिना रस्सा के भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें
इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे, फिर मिलते हैं आपसे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये अच्छे से पक चुका है। आप चाहे तो इसे रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।